तो क्लास ट्वेल्व की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम फिज़िक्स फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इकाई नंबर दो की इकाई नंबर दो का नाम है धारा विद्युत या हम करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे कहते हैं ठीक है और इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है वैद्युत चालन तो वैद्युत चालन चैप्टर की हम स्टार्टिंग करने आज जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में तो आप सभी लोग हेडिंग लगा सकते हो वैद्युत धारा बहुत अच्छे से सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्य धारा को ही समझेंगे इस पर बेस अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल को भी सीखेंगे और सारे टाइप के फार्मूलों को हम सीखेंगे ठीक है तो बहुत ध्यान से भैया क्लास को देखिएगा जिससे अच्छे तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आए जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो आवेश होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है यहाँ से जब आप धारा को निकालेंगे तो धारा का सूत्र होता है क्यों बटे में टी धारा आई बराबर कितना होता है आवेश बटे में भैया समय धारा को आई अक्षर से व्यक्त करते हैं धारा आई बराबर कितना होता है क्यों T अब देखिए यहाँ से हम परिभाषाएं अभी आपके समक्ष बनाएंगे जैसे अगर हम समय को मान लें एक टी को कितना मान लें एक सेकेंड और एक देखिए फिजिक्स में जिस भी भौतिक रास को एक मानते हैं उसको एकांक पढ़ा जाता है अच्छा टी बराबर अगर एक मान लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो धारा होगी वो आवेश के बराबर होती होगी अर्थात हमने क्या किया कि किसी चालक में एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश की मात्रा है वही क्या कहला रही है वैद्युत धारा कहला रही है क्योंकि हमने समय को एक माना तो परिभाषा बन गई कि, कि किसी लिख लीजिएगा कि हम दो परिभाषाएं आपको लिखाएंगे किसी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा या किसी चालक में एकांक समय में ठीक है या किसी चालक में एकांक समय में क्योंकि समय को चाहे एक सेकंड बोलिए और चाहे एकांक बोलिए एकांक समय में समय को एकांक माना गया एकांक समय में प्रवाहित आवेश देखिए एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश वही क्या कहलाता है समय में प्रवाहित आवेश कहलाता है। प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं प्रवाहित आवेश को वैद्य धारा कहते हैं हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से डिफिनेशन समझ में आ गई होगी पहली डिफिनिशन में हमने पहले आपको बताया कि सूत्र क्या होता है धारा बराबर क्यों बटे टी ठीक है अर्थात अगर टी को एक मान लें एकांक मान लें तो एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश है वही क्या कहलाता है वैद्युत धारा कहलाता है बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आपको दूसरी परिभाषा आपको हम बताते हैं देखिए जब किसी भौतिक राश के बटे में समय होता है तो हमें क्या कहना होता है उस भौतिक राशि की दर कहना होता है परिभाषा में तो देखा जाए तो यहाँ पर आवेश के बटी में समय है तो हम इसे आवेश प्रवाह की दर बोल सकते हैं तो एक लाइन में इसकी परिभाषा हो जाएगी आवेश प्रवाह की दर को वैद्य धारा कहते हैं तो दूसरी परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हो आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई वैद्युत धारा कहते हैं सभी लोग ये सारे पॉइंट वैद्युत धारा के नोट करेंगे कक्षा दस की वैद्युत धारा की परिभाषा हम नहीं पढ़ रहे हैं हम कक्षा बारह की वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ रहे हैं और हमको वैद्युत धारा को बहुत ही डीपली अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को समझना है तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं भाई वैद्य धारा कहते हैं वैध धारा कहते हैं इस तरीके से मैंने आपके समक्ष वैद्युत धारा की दो परिभाषाएं लिख दी हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब स्टार बना करके आप दूसरा पॉइंट ले सकते हो कि वैद्युत धारा राशि कैसी है जैसे हमने कक्षा ग्यारह में पढ़ा है कि सात मूल राशियाँ होती हैं लंबाई द्रमांस समय ताप ये सब पढ़ाना उसमें वैद्युत धारा भी तो है तो वैद्युत धारा एक मूल राशि है सबसे पहले तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं ठीक है परिमाण और दिशा के आधार पर पहली होती है एक अधिस राशि आदि राशि का मतलब होता है वे जिनमें केवल और केवल परिमाण पाया जाता है परिमाण का मतलब जैसे अभी आप से कह दिया जाए परिमाण का मीन्स क्या होता है समझिए परिमाण का मीन्स ये होता है कि जैसे आप दो घंटे स्टडी कर रहे हैं तो आपने बोला दो फिर आपने बोला घंटे तो किसी भी आंकिक मान के साथ अगर उसका मात्रक बोल दिया जाए तो उसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं उसका परिमाण जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना तो आप कहेंगे पचास के जी या साठ के जी आप ओनली पचास बोलेंगे तो वह दिस नहीं कहा जाएगा लेकिन आपने संख्या के साथ उसका मात्रक जोड़ दिया तो वो व्यक्त कर रहा है कि वो परिमाण है समझ पा रहे हो आप कितनी किलोमीटर की दूरी तय किए तो आप बोले दस किलोमीटर की तो संख्या के साथ आपने दूरी का मात्रक लगा दिया तो वो बन गया आपका परिमाण समझ में ही बात तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है वे अधिस राशियां कहलाती हैं वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं और एक आपने पढ़ा होगा प्रदिश राशियां जिसमें ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है ठीक है तो ये राशि जो कैसी राशि है वैद्युत धारा में चूंकि परिमाण और दिशा दोनों होती है लेकिन फिर भी इसको सदिश राशि नहीं माना गया है एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वैद्युत धारा एक अधिस राशि है क्यों जबकि वैद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है तो अभी आपको आगे हम बता रहे हैं तो सबसे पहले राश में लिख लीजिएगा कि ये कैसी राशि सबसे पहले तो ये मूल राशि है कैसी राशि ये एक मूल राशि है और ये कैसी राशि है ये एक सदिश सदिश राशि सॉरी नहीं है ये कैसी राशि है ये एक आदि परिमाण और दिशा के आधार पर अगर बात की जाए तो ये एक कैसी राशि है अधिस राशि है ठीक और जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है इस बात को आपको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं ध्यान से समझिएगा पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत धारा को हम मापते हैं किससे हैं तो आप कहेंगे अमीटर से मापते हैं किससे मापते हैं भाई अमीटर से किसी को स्क्रीन शॉट लेना है भाई ले लीजिए आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है ना तो अब बात आती है कि वैद्युत धारा एक अधिस राशि है क्यों क्योंकि वैद्युत धारा में परिमाण भी और दिशा भी फिर भी एक अधिस राशि है तो यहाँ पर वैद्युत धारा ठीक आदिश है क्यों ये हमारा प्रश्न है कि वैद्य धारा अधिस राशि है क्यों अगर हम बात करें देखिए जैसे मान लीजिए एक धारावाही चालक तार में तीन एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे धारावाही चालक तार में चार एम्पियर की वैध धारा प्रवाहित हो रही है और इनके बीच का एंगल कितना है नब्बे डिग्री तो अगर इस जगह पर हम लगा दें एक अमीटर जिससे वैद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर बताता है वैद्युत धारा के परिमाण को इधर से तीन एम्पियर किए इधर से चार एम्पियर किए तो यहाँ पर जो धारा का परिमाण होगा वो आपका चार तीन कितना हो जाएगा सात एम्पियर हो जाएगा तो ये तो अमीटर बता रहा है अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा मैंने क्या क्या वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती कारण इसका सदिश राशि के कुछ नियम होते हैं कक्षा घर में हमने सदिश राशियों के गुणधर्म पढ़े थे जैसे त्रिभुज के योग का नियम पढ़ा समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा तो उसका भी पालन होना चाहिए अगर उसमें परिमाण और दिशा है तो परिमाण और दिशा के साथ साथ वह सदिश राशि के नियमों का पालन भी करना चाहिए जैसे मैंने मीटर से मापा तो सात एम आई लेकिन अगर अभी सदिश राशि के नियम से परिणाम परिणामी इसके निकालते आर बराबर हमने समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी थीटा? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था जहाँ ए और बी चलिए वैल्यू रखते हैं तो परिणामी आ जाएगा अभी देखना कितना ए की वैल्यू तीन एम्पियर बी की वैल्यू चार एम्पियर और टू ए बी ए और बी के बीच का एंगल हमने कितना लिया भैया नब्बे डिग्री लिया लिया अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा और कॉस नब्बे की वैल्यू जीरो होती है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और सोलह नौ कितना हो जाएगा अंडर उड पच्चीस अंडर पच्चीस का मान कितना हो जाएगा पाँच एम्पियर तो मैंने इन दोनों धाराओं का परिणामी निकाला सदिस राज के नियमों से तो पाँच एम्पियर आया और जबकि ऐसे अमीटर से अगर मापते तो सात एम आता तो आप यहाँ पर ये यह देख पा रहे हो कि जो वैद्य धारा है इसमें परिमाण और दिशा तो दही दो दोनों है लेकिन ये सदिश राज के नियम का पालन नहीं कर रही है अगर ये सदिश राज के नियम का पालन कर रही होती तो जैसे सात एम पी यहाँ आ रही थी तो यहाँ भी साथ आना चाहिए था तब हम ये कहते हैं कि वैद्य धारा जो है वो सदिश राज के नियम का पालन करती है तब ये अधिश ना होकर के क्या मानी जाती सदिश मानी जाती लेकिन ये सदिश राज के नियमों का पालन देख रहे हो यहाँ पर नहीं कर रही कर रही है इस वजह से कैसी कैसी राशि है अदिश राशि है तो आपको एक लाइन में उत्तर लिखना है कि वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है इसी वजह से वैद्युत धारा को भौतिक विज्ञान में अदिश राशि माना गया है एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी आगे आप अगली हेडिंग डाल लीजिएगा वैद्युत धारा की दिशा वैद्युत धारा की दिशा वैद्युत धारा की दिशा किसी चालक में जो वैध धारा बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है तो जैसे ये आपका धारावाही चालक तार है ठीक है तो जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में वैध धारा की दिशा होती है या मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश है धन आवेश की दिशा की चल धन आवेश की दिशा में और इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा की दिशा को माना गया है तो यहाँ पर एक लाइन में ले सकते हो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के चलने की लिख लीजिएगा नोट्स बना करके दिशा डाल लीजिएगा फिगर बना सकते हो पॉइंट से लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा किसकी दिशा होती है वैद्युत धारा की दिशा यह आप कह सकते हो धन आवेश चलने की दिशा में अर्थात धन आवेश जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस दिशा उस चलने की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है चाहे धन आवेश के चलने की दिशा में वैद्युत धारा को मानिए या इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चल रहे हैं उसके विपरीत मानिए ठीक है थीके? ये होती है वैद्युत धारा की दिशा चलिए भाई अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत धारा के मात्रक की इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा अब आप अगली इडिंग डालेंगे वैद्युत धारा के मात्रक ठीक है हमने कहा ना कि आज हम वैद्युत धारा को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे तो अगली इडिंग आपको डालना है वैद्युत धारा के मात्रक मात्रक हमेशा हम सूत्र से ही निकालते हैं धारा बराबर होता है क्यों बटे में t अभी मैंने बताया ठीक तो मात्रक जब निकालेंगे तो पहला मात्रक इसका क्या आ जाएगा देखिए आवेश का मात्रक होता है कुलम होता है और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड तो एक मात्रक हो गया इसका कुलम प्रति सेकंड, दूसरा मात्रक एम्पियर जो कि एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया उनके सम्मान में तो धारा का एक मात्र गुलाम प्रति सेकंड और दूसरा मात्र क्या होता है भैया एम्पियर अगर हम बीमा की बात करें तो आप लोगों को बताया गया कि धारा की बीमा को किससे लिखते हैं ए से तो धारा की बीमा कितनी हो जाएगी ए बताइए कोई दिक्कत अब देखिए अब यहाँ पर अगली रीडिंग आपको लगा लेना है एक एम्पियर की परिभाषा हालांकि आगे, आगे आप दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण एक एम्पियर की परिभाषा वहाँ पर सूत्र से निकालोगे लेकिन यहाँ पर समझिए एक एम्पियर की परिभाषा से क्या तात्पर्य है ठीक है एक एम्पियर की परिभाषा चलिए आप सभी लोगों को हम एक एम्पियर की परिभाषा एकदम आसान शब्दों में बताते हैं जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा कि धारा आई बराबर कितना होता है क्यों अपॉन टी होता है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समय को हम मान लें एक सेकेंड टी बराबर कितना मान लें एक सेकेंड और कहा गया कि धारा का मान कितना हो एक एम्पियर हो अच्छा एक चीज़ बताओ अगर समय को हमने एक सेकंड इस सूत्र में रख दिया और धारा का मान एक एम रख दिया तो आवेश क्यूँ बराबर कितना आएगा एक ही तो आएगा अच्छा क्यों बराबर कितना होता है तो आप कहेंगे एन ई -E होता है जहाँ ई e क्या एन क्या होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ई क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा एक इसे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन का वैल्यू निकालेंगे तो वन अपन कितना हो जाएगा ई e. ई गुड़े में है वन के बटे में चला गया भाई ई होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रावेश एक इलेक्ट्रॉन प्रावेश की वैल्यू होती है एक दशमलव छः गुड़े दस की घात माइनस उन्नीस को ठीक अब इसको आगे सॉल्व करेंगे भैया ये पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ा लेंगे दो पंची दस दो अट्ठी सोलह ये हो गया पाँच बटे आठ गुढ़े दस की घात माइनस उन्नीस को ऊपर लेकर चले गए प्लस उन्नीस हो गया अच्छा इसको भाग करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे पचास हो जाएगा आठ छंग अड़तालीस दो बचा आठ दुनी सोलह चार बचा पॉइंट लगा आठ और गुढ़ में दस की घात कितना हो जाएगा उन्नीस अच्छा जो वैल्यू हम रखते हैं फिजिक्स में दशमलव के एक अंक तक लिखते हैं तो दशमलव को आगे बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा छः दशमलव दो पाँच गुढ़े दस की घात दशमलव जब इधर जाता है तो घात में उतना ही माइनस होता है एक अंक आगे ले गए तो एक माइनस हो जाएगा यह हो जाएगा अट्ठारह तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई छः दशमलव दो पाँच गुड़े दस की घात अट्ठारह इलेक्ट्रॉन इसका मीन्स क्या है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कब आए एक सेकेंड में जब धारा का मान कितना हो एक एम्पियर तो किसी चालक में मेरी बात को समझिएगा एक एम्पियर से तात्पर्य क्या है जैसे ये धारावाही चालक तार है क्या ये धारावाही चालक तार ये धारावाही चालक तार का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा है ये ए सिरा है ये बे सिरा है तो एक एम्पियर से तात्पर्य क्या है एक एम्पियर से तात्पर्य यह है कि पहले तो ये समझ लीजिएगा अगर किसी के दिमाग में ये होगा कि एक सेकेंड में अगर किसी चालक के किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सेकंड में छह दशमलव दो पाँच बुढ़े दस के साथ अट्ठारह इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो उस चालक में प्रवाहित धारा के मान के धारा का मान एक एम्पियर होता है तो आप गलत सोच रहे हैं परिभाषा इसकी ये कहती है कि एक सेकंड में ठीक है एक सेकंड में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले सिरे से छः दशमलव दो पाँच बुढ़े दस के साथ अट्ठारह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों एक सेकंड में और एक उतने समय में बी सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हों तब ये कहा जाएगा कि इस चालक में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो कितना होगा एक एम्पियर अर्थात हम सभी लोग कह सकते हैं परिभाषा में क्या कहेंगे कि एक सेकंड में छः दशमलव दो पाँच गुड़े दस की घात अट्ठारह इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई बाहर निकलते हैं तब हम ये कहते हैं कि चालक में जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो कितना होता है एक एमपेयर होता है तो आप सभी लोग भैया लिख सकते हो परिभाषा लिखना है तो परिभाषा कहो तो यहीं पर लिख दें या तो फिर आप लोग एक काम कीजिए चलो हम लिख ही देते हैं लिख लीजिए एक एमपियर की परिभाषा ये आप इतना कर लीजिएगा इसको रब कर देते हैं यहाँ पर एक एमपियर की परिभाषा लिख देते हैं तो परिभाषा में लिख लीजिए यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में बस ये नहीं सोचेगा कि एक सेकंड में यहां से निकले और यहां से दूसरे सिरे तक पहुंचे इतने इलेक्ट्रॉन तो गलत हो जाएगा यहां एक, से तो एक सेकंड में जितने प्रवेश करें कितने प्रवेश करें इतने प्रवेश करें और इतने सिरे से बाहर निकले तब इस चालक में प्रवाहित धारा का मान एक एमपेयर होगा तो लिखेंगे यदि किसी चालक में यदि यहाँ पर किसी लगा लीजिएगा किसी चालक में एक सेकेंड में एक सेकेंड में लिख लीजिएगा सबसे आसान परिभाषा छह दशमलव दो पांच गुणे दस की घात अट्ठारह इलेक्ट्रॉन ठीक अभी आया आप देख पा रहे हो अठारह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो क्या हो भाई प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित धारा का मान कितना होगा भैया एक एम्पियर होगा ठीक ये हो गई ये एक एम्पियर की परिभाषा अभी आगे भी तुमको एक एम्पियर की परिभाषा हम बताएंगे यहाँ पर हमने धारा की परिभाषा से एक एम्पियर की परिभाषा बता दी हमें उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बताइए तो। किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आगे चलिए जान लेते हैं देखिए आपको हम बता दें कि जो मुक्त आवेश होते हैं या जो कोई आवेशित कण होता है मुक्त आवेश ही तो धारा को लाने ले जाने का कार्य करते हैं किसी परमाणु में जो बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक से होते हैं वो धारा को लाने ले जाने का कर कार्य नहीं करते हैं क्योंकि उनको नाभिक से हटाना सुगम नहीं है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दूर कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिकी बल कम कार्य करता है वही धारा को लाने ले जाने का कार्य करते हैं अभी आगे इसमें आपको श्रांतिकाल और माध्यमुक्त पाद ये सब पढ़ाने वाले हैं तो जो मुक्त आवेश होता है वही क्या होता है वैध धारा के तुल्य होता है तो आगे ध्यान से समझिएगा अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो मुक्त आवेश है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है या वृत्ताकार पथ पर चल रहा है कितनी चाल से वी चाल से तो यहाँ पर देखिए सूत्र में चेंजेस आ जाएगा अगर आवेशित कण जो है स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वी चाल से गति करे तो आप सभी लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि इस वृत्ताकार पथ को तय करने में लगा जो समय होता है वो आवर्त काल का है अर्थात समय कितना हो जाएगा यहाँ पर टी और अगर इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर है तो पूरी वृत्ताकार पथ की जो दूरी हो जाएगी यानी परिधि जो हो जाएगी वो टू पाई आर हो जाएगी अब अभी यहाँ पर देखिए धारा के सूत्र में अब चेंजेस क्या होगा अगर बात होगी वृत्ताकार पद की तो धारा बराबर आपने पढ़ा है क्यों अपान में टी क्या पढ़ा क्यों अपान में टी टी होता है समय और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय कितना होता है दूरी बटे समय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो अगर हम समय को निकालेंगे और समय आपका टी हो जाए कैपिटल तो ये कितना हो जाएगा दूरी बटे में चाल कितना हो जाएगा दूरी बटे में चाल अब एक बताओ वृत्ताकार पथ पर जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर अर्थात टू पाई आर और चाल कितनी हो जाएगी वी हो जाएगी वी चाल से कर रहा है तो जो धारा का सूत्र हो जाएगा इस स्थिति में वो आई बराबर क्यों अपान में टी किसके बराबर हो गया आवर्तकाल के आवर्तकाल काल की वैल्यू कितनी आ गई टू पाई आर अपान में कितना भाई वी वी ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा क्यों वी अपान में टू पाई आर इस पर भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसीलिए मैंने इस सूत्र को अभी बताया और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपके समक्ष हम तुरंत लेने जा रहे हैं जिससे आपके दिमाग में डाउट ना रहे ठीक तो इस सूत्र को याद रखिएगा और चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं भाई तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर भैया आ रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है बोर्ड एग्जाम दो में पूछा भी गया है कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों पाँच गुड़े दस की घात माइनस ग्यारह मीटर त्रिज्या की कक्षा में देखिए आर की वैल्यू दे दी गई त्रिज्या की पहले बात की गई है आर की वैल्यू दी गई है पाँच दशमलव जीरो या पाँच गुढ़े दस की घात माइनस ग्यारह मीटर की त्रिज्या में है ना ये तो दिया गया कक्षा में दो दशमलव दो गुड़े दस की घात छः मीटर पर सेकंड के वेग से विलॉसिटी भी दी गई विलॉसिटी दी गई है दो दशमलव दो गुड़े दस की पावर कितनी दी गई भाई छः मीटर पर सेकंड का वेग वेग मीटर प्रति सेकंड का वेग दे दिया गया अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा आगे बोलना है कि वेग से भ्रमण करता है इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान याद कीजिए अर्थात आई की गणना करना है साथ ही में ये भी कह दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है यानी जो क्यू की वैल्यू है वो एक दशमलव छः गुड़े दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम है अब धारा का ये वाला सूत्र तुम्हारे इस तरह के न्यूमेरिकल में काम आएगा इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया तब आप क्या कहेंगे जब जानते हैं कि अगर पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो जो धारा का सूत्र होता है आई बराबर होता है क्यों वी अपान में टू पाई आर होता कि नहीं लगा देंगे सूत्र भैया क्यों की वैल्यू एक दशमलव छः गुड़े दस की घात माइनस का उन्नीस गुलाम वी की वैल्यू रख देंगे वी की वैल्यू कितनी रखनी है दो दशमलव दो गुड़े दस की पावर कितना भाई छः बटे में आ जाएंगे टू पाई की वैल्यू होती है तीन दशमलव एक चार गुड़े में आर त्रिज्या की वैल्यू पाँच गुढ़े दस की घात कितनी भैया माइनस का ग्यारह इसे आपको सॉल्व कर लेना है आई बराबर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट को हटाया जा सकता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद दो संख्याएं इस पॉइंट के बाद एक संख्या एक संख्या में ला के दो संख्या हो गई तो ये हो जाएगा दो एक कम दो 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 अठी सोलह ठीक जो कटने वाला हो भैया काट लो दो एक कम दो दो एक कम दो दो एक कम दो 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 सती चौदह एक सौ सात दो सॉरी दो एक कम दो 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 पंची दस दो सति चौदह एक सौ सत्तावन हो जाएगा ऊपर आपका क्या बचा देखिए ध्यान से ऊपर बचा संख्या में आठ और बचा ग्यारह बूढ़े में दस की पावर माइनस उन्नीस और छः ये हो जाएगा माइनस का तेरह भाई आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी बटे में बचा एक सौ सत्तावन बूढ़े में भैया पाँच और बूढ़े में दस की घात माइनस ग्यारह माइनस ग्यारह को माइनस तेरह से कैंसिल कर लीजिए दस की घात माइनस दो आपका हो जाएगा अब संख्याओं संख्याओं का भैया मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है संख्याओं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए आई बराबर ग्यारह अठे अट्ठासी हो जाएगा और बूढ़े में दस की पावर भैया माइनस दो हो जाएगा बटे में सत्तो पच्छी पैंतीस से कुछ कटने वाला है नहीं अगर कटने वाला हो तो काट दो सत्तो पच्ची पैंतीस और पंद्रह पच्ची पचहत्तर पचहत्तर और तीन हासिल कितना हो जाएगा अठहत्तर ठीक इतना बचा हुआ है अब आपको करना कुछ नहीं चुपचाप भाग कर देना है और यहाँ से धारा कमान हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं धारा का मान कितना आएगा एक दशमलव एक दो एक दशमलव एक दो गुड़े दस की पावर माइनस का तीन एम्पियर धारा आपकी आ जाएगी तो ये देखो इस सूत्र का यूज हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़ आपको यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं तो हमें उम्मीद है कि इस सूत्र का यूज़ आपको कैसे न्यूमेरिकल में करना ये समझ में आ गया होगा अब एक टाइप का और आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको भी चलिए करा देते हैं इसका आप स्क्रीन ले लीजिए इसको आप करने जा रहे हैं अब चलिए हम यहाँ पर धारा का जो सूत्र है आई बराबर क्यों अपान टी इसका कलन रूप बता देते हैं मतलब अवकलन रूप बता देते हैं अवकलन रूप में धारा के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कैसा आता है मैं प्रश्न भी आपके समक्ष लूँगा तो आप हेडिंग लगा सकते हो कि जो है आवेश के समीकरण से या धारा के समीकरण से ठीक है कलन धारा बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा क्यों अपान में टी अब बताइए जो कलन रूप हो जाएगा कलन रूप में क्या करना है I बराबर ही आपका हो जाएगा d बाई डी टी इंटू में क्यों अर्थात इस आवेश का t के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन कर देना है ठीक अब देखिए प्रश्न कैसा पूछा जाएगा ये कलन रूप हो जाएगा धारा का धारा क्यों बराबर क्यों अपॉन टी है ये वही सूत्र है बस ये कलन रूप हो गया यानी अवकलन रूप हो गया है मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यदि किसी परिपथ में लिख लीजिएगा सभी लोग ये प्रश्न अगर ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है यदि किसी परिपथ में ठीक है आवेश की वैल्यू दे दी जाए जैसे दे दी जाए प्रवाहित आवेश प्रवाहित आवेश ऐसे प्रश्न दिया जाएगा यदि किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश एक समीकरण के रूप में दे दिया जाए थ्री टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का थ्री ठीक कूलाम हो तो कुल हो तो टी बराबर एक सेकंड में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये कलन रूप लगाना है प्रवाहित धारा की गणना कीजिए क्या करना भाई गणना कीजिए तो उस स्थिति में आपको ये वाला सूत्र लगाना है I बराबर डी बाई डी टी डी बाई डी टी का मतलब टी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आवेश की वैल्यू अब जो है टी के पदों में होनी चाहिए तभी हम डिफ्रेंशिएट इसका कर पाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का थ्री आपको बता दें टी की पावर एन का जो अवकलन होता है टी के रिस्पेक्ट में वो होता है एन टी की पावर एन माइनस वन अर्थात पावर आगे ले आते हैं इसका सूत्र कहता है और पावर से कम कर देते हैं तो जब हम अवकलन करेंगे थ्री टी क्यूब का तो थ्री आपका अचर पद बाहर हो जाएगा और टी क्यूब टी क्यूब का अवकलन हम जब करेंगे तो हमने कहा पावर आगे आती है तो पावर इसमें से आगे आ जाएगी अर्थात ऐसे हो जाएगा पहले इसको ऐसे लिख लो तीन आगे हो गया डी वाई डी टी टी क्यूब और डी वाई डी टी का इससे होगा तो टू बाहर हो जाएगा डी वाई डी टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर फिर डी वाई डी टी किस किसका हो जाएगा टी का अवकलन हो जाएगा फिर डी वाई डी टी यानी टी के रिस्पेक्ट में किसका अवकलन हो जाएगा संख्या यानी तीन का हो जाएगा आचार्य पद का अवकलन और समाकलन क्या होता है भैया शून्य होता है ध्यान रखिएगा अब इस वाले सूत्र का यूज होगा आई बराबर तीन हो गया यहाँ पर टी टी क्यूब तो हमने कहा जो पावर होगी पावर को आगे लाना पावर से एक कम कर देना तो तीन आगे आ जाएगा और तीन से एक को कम कर देना स्क्वायर हो जाएगा प्लस लगाओ इसमें दो आगे आएगा दो धोनी कितना हो जाएगा चार यानी टू इंटू टू और टी की पावर टू माइनस वन पावर में जितनी पावर है कम कर देना है यही अवकलन का सूत्र है अच्छा टी की पावर यहाँ एक है एक को आगे लाएंगे ध्यान दीजिएगा एक को आगे ले आए और टी के पावर एक से एक को घटा दिए हमने कहा जो पावर पावर इससे एक माइनस कर देना ये अचर पद है अचर पद का अवकलन शून्य होता है तो आई बराबर हो जाएगा तीन का नौ टी स्क्वायर और दो, चार। टी दो से एक गया एक बचा वन टी की पावर वन से वन यानी जीरो टी, टी की पावर जीरो किसी भी संख्या की पावर जीरो का मान एक होता है तो प्लस कितना हो जाएगा एक अब तुमको टी बराबर कितना रखना था टी बराबर एक सेकेंड यानी टी बराबर अगर एक हो तो आपको धारा का मान निकालना था नौ गुड़े टी स्क्वायर का मान एक का स्क्वायर फोर इंटू टी का मान एक और प्लस वन तो आई बराबर नौ एक कम कितना हो जाएगा नौ और चार तेरह एक कितना हो जाएगा चौदह धारा कितनी आ जाएगी चौदह एम्पियर तो कलन रूप में धारा के सूत्र पर आधारित ऐसे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में वैद्युत धारा को अच्छे तरीके से समझा दिया अब जो आपका वैद्युत चलन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है इसके आधार पर माध्यम उत्त अनुगमन वेग श्रांतिकाल इन सबकी परिभाषाओं को आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिससे लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम